टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मनसुख हिरेन मामले में एटीएस की टीम पहुंची रेती बंदर खाड़ी। पीने के पानी से जान के साथ खिलवाड़। 3 दिन बाद दो दोस्तों की लाश मिली नदी में। बच्ची के साथ स्कूटी सवार गिरा गड्ढे में, तो कहां थाने में घुसकर बीजेपी नेता ने की गुंडई। ये सब खबरें देखिए हमारे आज के टॉप 5 में। मगर सबसे पहले आपको बता दें कि मुमरा रेती बंदर खाड़ी में जिस जगह मनसुख हिरेन की लाश मिली थी, आज दूसरे दिन एटीएस की टीम वहां जांच पड़ताल करने के लिए पहुंच गई है। एटीएस की टीम मुमरा खाड़ी पर पहुंची थी जांच पड़ताल के लिए और मुमरा पुलिस के अधिकारी भी वहां मौजूद थे। इस दौरान काफ़ी देर तक जाँच पड़ताल की गई, क्योंकि खाड़ी से जब मनसुख हिरेन का शव बाहर निकाला गया था तो चेहरे पर कई रुमाल थे, उस पर हत्या की आशंका लोग जता रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में एटीएस जांच कर रही है, क्या हिरेन की हत्या हुई थी या फिर उसने आत्महत्या की थी, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं भिवंडी मनपा ने पानी का जार सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऐसे पानी बेचने वालों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है, क्योंकि ऐसे पानी बेचने वाले लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे पानी बेचने वालों के पास किसी भी तरह का कोई परमिशन नहीं होता है। वही भिवंडी के खाडोली नदी में नहाने गए 5 दोस्तों में से 2 दोस्तों की नदी में डूबकर मौत हो गई थी। 3 दिन बाद नदी से दोनों दोस्तों का शव बरामद किया गया है। मृतकों का नाम नफीस और शफीक बताया जा रहा है। वही भिवंडी से ही एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें बच्ची समेत स्कूटी सवार गड्ढे में गिर गया। बताया जा रहा है कि रोड का काम चालू है। इस दौरान रोड पर कई जगह गड्ढे खोदे गए हैं और इस गड्ढे के बगल से गुजर रहे एक स्कूटी सवार इस गड्ढे में गिर गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी पर एक बच्ची भी बैठी हुई थी जिसमें मामूली चोट लगी। वही उत्तर प्रदेश के गोंडा में भाजपा नेता शुभम अवस्थी की दबंगई थाने में देखने को मिली। सत्ता का नशा इस कदर चढ़ गया कि दरोगा अनूप गुप्ता की कॉलर पकड़ने की कोशिश की और गाली गलौज भी की। थाने में घुसकर इस तरह की गुंडागर्दी से भाजपाइयों की काफ़ी किरकिरी हो रही है। पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। एसपी शैलेश कुमार पांडे ने क्या जानकारी दी है। मामला प्रकाश में आया है जिसमें कुछ राजनीतिक दल के व्यक्तियों और पुलिस कर्मचारी के बीच कहासुनी का मामला संज्ञान में आया है। संबंधित प्रकरण में मेरे द्वारा एडिशनल एसपी को जांच सौंपी गई है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।